ये एक मॉडल है हमारा आर्टिफिशियल मून और आरथी फैक्टर का. आर्टिफिशियल मून एक ऐसी सैटेलाइट जो कि 8 गुना ज्यादा लाइट देती है हमारी एक्चुअल मून से. ये सन की लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करेगी क्योंकि मिरर का बना हुआ होता है और ये पूरे 80 किलोमीटर तक के एरिया को लाइट देगा. और आर3 फैक्टर्स मींस होता है रिड्यूस रियूज एंड रिसाइकल. पहले तो जैसे बारिश होती है तो हम यहाँ पे वाटर कलेक्ट कर लेंगे इस वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक में. फिर ये जो हमारा बारिश का पानी होता है ये गंदा होता है तो हम इसे लेके जाएंगे फिल्ट्रेशन टैंक में. फिल्टर हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसे वाटर टैंक में स्टोर करेंगे और वाटर पंप से हम इसे प्रेशर देंगे ताकि ये इरीगेशन के लिए जा सके. हमने यहाँ पे रेन वाटर को रियूज करा. फिर यहाँ पे हमने दिखाया कि ये डस्टबिन है जहाँ पे सारा इन सोसाइटीज का कूड़ा इकट्ठा हो रहा है. फिर यहाँ पे हमने सारा सीवेज वाटर मतलब जो नाली का पानी होता है उसे यहाँ पे हमने कलेक्ट कर दिया. फिर ये गंदा है तो फिर हम इसे वो करेंगे इसको फिल्ट्रेशन करेंगे. फिल्टर करेंगे थोड़ा हम पॉन्ड्स में दे देंगे अच्छा पानी और थोड़ा यहाँ पे इरिगेशन में ट्यूबवेल के लिए. एंड देन यहाँ पे हमने सॉलिड वेस्ट कलेक्टर रखा है. इसमें हम ये वाला जो कूड़ा यहाँ पे ये जो कूड़ा है ये जो फूड वेस्ट है फूड वेस्ट डस्टबिन है वो सॉलिड वेस्ट कलेक्टर में जाएगा. हमारा एनिमल डंग वगैरह भी है. फिर उसको हम स्लरी टैंक मतलब बायोगैस प्लांट में भेजेंगे जहाँ पे एनारोबिक डिग्रेडेशन होगा और उसके कारण ये जो है पूरा गैसेस में कन्वर्ट होके मीथेन और H2S और CO2 में कन्वर्ट होके इस मीथेन गैस कलेक्टर मींस बायोगैस कलेक्टर में कलेक्ट हो जाएगा. और ये मैकेनिकल एनर्जी होगी तो इसे हम डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और पूरा ये प्रोसेस हमारा रिसाइकलिंग होगा. और यहाँ पे इस वाली सोसाइटी को तो हम सोलर पैनल से एनर्जी दे रहे हैं और यहाँ पे हम बायोगैस प्लांट से और आर्टिफिशियल मून के थ्रू हम अपनी जितने भी इलेक्ट्रिसिटी पे कॉस्ट होती है उसे जीरो कर लेंगे और जो हमारे पास फिर मनी सेव होगी उसको हम अपने 3 फैक्टर्स पे लगा सकते हैं. और जैसे रिमोट एरियाज में रूरल एरियाज में उससे हम एजुकेशन के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए और इनोवेशन के लिए 4 रुपीज यूज कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.